पहला सुझाव, प्यास ना लगे या ज़रूरत ना हो तो भी हमेशा पानी पिएं। सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्याएं और उनमें से ज़्यादातर शरीर में पानी की कमी से होती हैं। दूसरा सुझाव, शरीर से अधिक काम लें। शरीर को हिलना चाहिए, भले ही केवल पैदल चलकर या तैराकी या किसी भी प्रकार के खेल से। तीसरा सुझाव, खाना कम करो। अधिक भोजन की लालसा को छोड़ दें, क्योंकि यह कभी भी अच्छा नहीं लगता। अपने आप को वंचित न करें, लेकिन मात्रा कम करें। प्रोटीन से भरे खाने को खाना चाहिए। चौथा सुझाव, जितना हो सके वाहन का प्रयोग तब तक न करें जब तक कि अत्यंत आवश्यक न हो। हो सके तो साइकिल का प्रयोग करें। पांचवा सुझाव, क्रोध छोड़ो, चिंता छोड़ो। चीज़ों को नज़रअंदाज करने की कोशिश करो। विक्षोभ की स्थितियों में स्वयं को शामिल न करें। छठा सुझाव, सबसे पहले पैसे का मोह छोड़ दें। अपने आसपास के लोगों से खूब मिलें जुलें, हंसे बोलें। पैसा जीने के लिए बनाया गया था, जीवन पैसे के लिए नहीं। सातवां सुझाव, अपने आप के लिए किसी तरह का अफसोस महसूस न करें, ना ही किसी ऐसी चीज़ पर जिसे आप हासिल नहीं कर सकें, और ना ही ऐसी किसी चीज़ पर जिसे आप अपना नहीं सकते। आठवां सुझाव, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, शक्ति, सुंदरता, जात की ठसक और प्रभाव, ये सभी चीज़ें जो अहंकार से भर देती हैं। विनम्रता वह जो लोगों को प्यार से आपके करीब लाती हैं। नौवां सुझाव, अगर आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं तो इसका मतलब जीवन का अंत नहीं है, यह एक बेहतर जीवन की शुरुआत हो चुकी है। आशावादी बनो, याद के साथ जियो, यात्रा करो, आनंद लो, याद बनाओ। दसवां सुझाव, अपने से छोटों से भी प्रेम, सहानुभूति और अपनेपन से मिलें। कोई व्यंग्यात्मक बात ना कहें, चेहरे पर मुस्कुराहट बनाकर रखें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।